मुरादाबाद के यूपी वाणिज्य कर मिनिस्ट्रियल एसोसिएशन के द्विवार्षिक चुनाव में कमलदीप यादव दोबारा निर्विरोध अध्यक्ष चुन लिए गए हैं। अध्यक्ष बने कमलदीप यादव ने कहा कि वे सभी साथियों का आभार प्रकट करते हैं जिन सभी ने उन्हें इस काबिल समझा और निर्विरोध अध्यक्ष बना दिया गया। वे पहले की तरह ही साथियों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलते रहेंगे, साथियों के हित की लड़ाई सदैव लड़ते रहेंगे। नवनिर्वाचित अध्यक्ष कमलदीप यादव का साथियों द्वारा फूलमालाएं व बुके भेंटकर उनका जोरदार स्वागत भी किया गया। कमल किशोर ने उन्हें उनके कार्यालय पहुंचकर जीत की बधाई दी है। अध्यक्ष कमलदीप यादव ने बताया कि आगामी 6 अप्रैल को एक पद के लिए चुनाव होना है जिसकी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। खालिद भाई, हमारे मुरादाबाद जोन का कार्यकाल 2 वर्ष का पूर्ण हो चुका था। हमारे प्रांतीय एसोसिएशन द्वारा जो है मुरादाबाद जोन का चुनाव कराए जाने हेतु कार्यक्रम जारी किया गया। हमारे मुखिया एडिशनल कमिश्नर ग्रेट वन वर्मा जी ने चुनाव कराए जाने हेतु चुनाव अधिकारी नामित किए गए, जिसके क्रम में 25 और 26 को हमारा नामांकन था। नामांकन के दौरान मैंने अपना ज्वलन पद के लिए जो है नामांकन कराया। एक और नामांकन जितन जी का, श्रीकांत भाई साहब का और सुबोध जी का नामांकन 10 पद के लिए हुए। उसके बाद नाम वापसी की तारीख 28 तारीख थी। 28 तारीख को और जो लोग उन्होंने नामांकन कराया था सभी लोगों ने वापस ले लिया। लेने के बाद अकेला कमलदीप का नामांकन बचा। इसी कारण से, और जो कि सब लोगों ने एक बैठक करी, सर्वसम्मति से जो है मुझे अध्यक्ष चुना गया। मैं ये आश्वस्त करता हूँ कि जो कर्मचारियों के लिए पहले भी हम लोग लड़ते रहे हैं, आगे भी पूर्ण निष्ठा ईमानदारी के साथ कर्मचारियों के लिए 24 घंटे तैयार रहेंगे। और मैं आपके माध्यम से कर्मचारियों से अनुरोध करता हूँ कि हमेशा आप लोगों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर जो भी कर्मचारियों की समस्याएँ होंगी उनका अक्सर से उनके निस्तारण कराने के लिए हम लोग भरसक प्रयास करेंगे। और सभी का मैं तहे दिल से आभार व्यक्त करता हूं और धन्यवाद ज्ञापन करता हूं कि उन्होंने मुझे इस लायक समझा और संगठन की जिम्मेदारी मुझे